आज यहाँ के आप देख सकते हैं कि यहाँ के युवा बेरोजगारी की समस्या हमारे इस पूरे झारखंड में फैली हुई है। आज स्थानीय नीति, नियोजन नीति 1932, यहाँ की जनसंख्या के आधार पे अगर यहाँ के जनजातियों को अगर आरक्षण दिया जाए तो हो सकता है कि ये जो समस्या है वो समाधान हो जाएगी। सबसे सबसे बड़ा सवाल है कि लगातार ये छात्र बात कर रहे हैं 60-40 नहीं चलता हो, उस पर आप लोगों का क्या मंतव्य है? 60-40 ये कोई झारखंड सरकार की इन्होंने जो अपना नीति जो बनाया है ये नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ 60-40 से हमारे यहाँ के स्थानियों के लिए कोई भी यहाँ पे यहाँ के जो रोजगार अगर लीजिए, चाहे किसी भी संस्था का अगर उन्होंने नौकरी अगर लेना चाहेंगे तो ये 60-40 से हमारे कि झारखंड के लोगों का कोई हित यहाँ नहीं हो सकता है। अगर सरकार अगर 90-10 का अगर हम लोगों को ये करे तो हमारे यहाँ के झारखंडियों का भला होगा और यहाँ का हित भी होगा हमारे झारखंड का। मैं जिला परिषद उपाध्यक्ष बीना चौधरी। हम लोग तमाड़ विधानसभा से आए हैं, लेकिन अभी लगातार झारखंडी छात्र युवा आक्रोश में है, क्या कहेंगे? एकदम बिल्कुल नहीं चलेगा 60-40, और हमेशा आशु पार्टी जनहित में काम करते आया है और करते रहेगी। अभी क्या तैयारी है? अभी हम लोग तैयारी जम के आप देख रहे हैं, इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हम लोग का क्या तैयारी है। अभी हम लोग इसके बाद हम लोग डीसी कार्यालय हम लोग जाने का शुरुआत करेंगे। वर्तमान सरकार जो है विफल है, झारखंड का यही चाहता है हेमंत सोरेन। लगातार सरकार कह रही है झारखंडियों के हित के बारे में बात कर रहे हैं, उनके पक्ष में काम कर रहे हैं, आदिवासियों की सरकार है। हमेशा हेमंत सोरेन का काम है कि झूठ बोलना, ये भी झूठ बोल रहे हैं हमेशा। क्या काम कर रहे हैं दिखा दे जनमानस को, क्या काम कर रहे हैं। हमेशा सत्ता से पहले भी झूठ बोलकर सत्ता में आया और अभी भी झूठ बोलने का काम है। उसका काम है झूठ बोलना, हेमंत सोरेन का दूसरा रूप झूठ बोलना ही काम है। राम दुर्लभ सिंह मुंडा, तमाड़ विधानसभा से। कहाँ की तैयारी है? आज सामाजिक न्याय के रूप में जो वर्तमान में हेमंत सोरेन की सरकार ने आके छात्र युवा को ठगने का काम किया, बेरोजगारी भत्ता के नाम पर, 5 लाख नौकरी के नाम पर, नियोजन नीति के नाम पर, 1932 का स्थानीय नीति के नाम पर, उसी के विरोध में हम सभी आज एकजुट होकर सड़क पर उतरे हैं अपनी सामाजिक न्याय मार्च के माध्यम से। छात्रों के क्या आप लोग साथ में हैं जो 60-40 नहीं चलता हो लगातार? निश्चित तौर पर झारखंडी छात्रों के साथ आजसू पार्टी सदैव खड़ी हुई है, उनके हक और अधिकार के लिए सड़क से लेकर सदन तक आजसू पार्टी यहाँ के छात्र युवा नौजवान के साथ है। क्या कहेंगे किस विषय पे? बस छात्र लगातार उग्र हो रहे हैं 60-40 नहीं चलता हो। नहीं चलता हो 60-40, यहाँ झारखंड के लोगों को ही चलने चाहिए, हमें दूसरे राज्य में जगह नहीं मिलती है, यहाँ के लोगों को पूरा के पूरे चाहिए। 60-80 तक भी नहीं चलेगा, यहाँ 90 तक भी नहीं चलेगा, जो भी चलेगा 100 में 100 चलेगा। यहाँ की नियोजन नीति पूरे झारखंड छात्र हितों में ही बनना चाहिए, अगर नहीं बनेगी तो हमेशा हम झारखंड सरकार को घेरने का ही काम करेंगे। छात्रों के आंदोलन के साथ हैं आप लोग? हाँ निश्चित तौर पर हम हैं, उसके साथ ही हैं और हमेशा ही रहेंगे। चेतन प्रकाश, प्रदेश सचिव आसू छात्र संघ। ओम वर्मा, प्रदेश सचिव आसू। कहाँ से आए आप लोग? मैं तो यही रांची का हूँ, हम रांची विश्वविद्यालय के छात्र हूँ। आसू के बैनर तले आए हैं, झारखंड के छात्र लगातार उग्र हो रहे हैं 60-40 नहीं चलता, क्या आप लोग भी उनके साथ हैं? देखिए ये पूरे राज्य के मुद्दा है, 60-40 से गलत नियम है, सरकार गलत नियम बनाई है, इसके लिए छात्र और यहाँ के राज्य के जनता सबको मन में आक्रोश है कि ये 60-40 नहीं चलेगी और 60-40 से गलत है, इसको नहीं लागू करना चाहिए और ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं होगी। चलिए जिला प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं, लेकिन आपसे वही सवाल है कि लगातार झारखंड के युवा उग्र हो रहे हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, 60-40 नहीं चलता, इस पर आसू का क्या स्टैंड है? देखिए आसू तो अपना स्टैंड क्लियर रखता है, झारखंड में वही राज करेगा जो झारखंडी की बात करेगा, झारखंडी युवाओं के साथ सरकार को ठकना बंद करना पड़ेगा। आप देख रहे होंगे 60-40 की नीति जो लाए, इससे पहले आप विधानसभा में 1932 को पारित करते हैं, आप उसको केंद्र के हवाले भेजते हैं, क्यों आप यहाँ पे उसको लागू नहीं कर सकते थे? इतना तो अधिकार हमारे संविधान में है,
कि अगर आप उसको विधानसभा में चुनाव करा के जो पारित किए उसको लागू भी कर देते, लेकिन सरकार हमेशा ठकने का काम किया है। आज युवाओं के साथ सरकार ने अपने चुनावी एजेंडा में घोषणा पत्र में कहा था कि मैं हर एक युवा को रोजगार दूंगा, अगर रोजगार नहीं दूंगा तो बेरोजगारी भत्ता दूंगा। आज 3 साल बीत गए, कोई युवा को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है। तीसरा पॉइंट जो सबसे बड़ा पॉइंट है, आज देखिए युवाओं का भविष्य अंधकार की ओर जा रहा है। झारखंड में, झारखंड सबसे युवा राज्य है, लेकिन यही युवा का अपना भविष्य अंधकार में दिख रहा है। क्यों? डिग्री है, सब कुछ है, लेकिन सरकार की नीति और सिद्धांत जो है वो युवाओं को उम्र पार कराने के लिए काम कर रही है। और अभी चुनाव आते ही फिर सरकार अपना योजना में कहेगी मैं झारखंडों के हितों के लिए काम करूंगा, मैं युवाओं को रोजगार दूंगा, लेकिन ये सब बातें सिर्फ और सिर्फ जुबलेबाजी में ही रह जाती है। सूरज कुमार मिश्रा, रांची जिला प्रवक्ता, आजू। चलिए, अभी बहुत जोर शोर से तैयारी है, क्या तैयारी है ये? ये तैयारी आप देख रहे हैं न्याय मार्च का, ये सरकार जो अंधी बहरी गुंगी सरकार है, जो 3 वर्षों से सोई हुई है, जिन्हें यहाँ की जनता की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। आज हमारे देख रहे होंगे राजभवन में कोरोना काल के बाद कोई ऐसा दिन नहीं है कि राजभवन के बाहर झारखंड की जनता, झारखंड के युवा वर्ग, झारखंड के पुलिस वर्ग, सेवा वर्ग, आपका आंगनवाड़ी वर्ग, आपका पुलिस दर्द को लेकर इस राजभवन का घेराव करते थे, लेकिन ये सरकार अपनी घोड़ी निंदा में सोई हुई है, कुंभकर्णी निंदा में कोई दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए आंसू पार्टी ने जगाने का काम कर रही है। और आज ये न्याय मार्च के रूप में आप देख रहे होंगे पूरे झारखंड में हर जिला मुख्यालय में हजारों और लाखों की संख्या में आंसू के नेता और आंसू के कार्यकर्ता यहाँ के उपायुक्त को ज्ञापन देंगे कि क्या क्या मांग आंसू इस बार लेके इस न्याय मार्च की है। झारखंडी युवा, झारखंड के युवा छात्र खासकर, ये लगातार 3 दिन का उग्र प्रदर्शन की आह्वान किए हैं, क्या कहेंगे? 60-40 नहीं चलता। देखिए, ये जो सरकार है ये यहाँ के युवाओं को मूर्ख समझती है, सोचती है कि झारखंड की जनता से जो पढ़ के आ रहा देहात से वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो ठेंगा छाप है। तो यहाँ की युवा इन्हें आने वाले समय में ये बताएगी कि 60-40 की नीति जो आपने लागू की है आपको जमानत जब्त कराएगी, 80 का जो हमारा विधानसभा है उसमें एक सीट पर JMM नहीं आने जा रहा। पर्चे बंटी यादव, महानगर वरीय उपाध्यक्ष। आज यहाँ पर हम लोग का नया मार्च के माध्यम से आज यहाँ पर पूरा प्रदेश पर 2400 जिला पर जिला बाय जिला हम लोग आज न्याय मार्च कर रहे हैं। इसमें है कि आज सरना कोर्ट के माध्यम से हम लोग यहाँ पर आए हैं, जनगणना का जो जातीय जनगणना होना चाहिए तो उसी के विषय में हम लोग सरकार के विरोध पर हम लोग न्याय देना दिलाने का काम करने के लिए यहाँ पर आए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर पूरे स्थानीय नीति और नियोजन नीति को लेकर हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन करने आए हैं, ताकि सरकार को हम लोग जगाना चाहते हैं, ताकि सत्ता में आने से पहले वो जो वादे थे, जो मैनिफेस्टो में कहा था कि हम लोग है कि जैसे भी सत्ता पर आएंगे सरना धर्म कोड हम लोग लागू करेंगे, जाति जनगणना करेंगे, और साथ साथ भी यहाँ बहुत से वादे जैसे में अभी आप देखते होंगे बालू कोयला इस सब पत्थर को इस समय चुराया जा रहा है, बेचा जा रहा है। तो ये है, पूरा जनता है, जनता का अपना संपत्ति है, उस संपत्ति को हम लोग बचाना चाह रहे हैं और हम लोग न्याय दिलाने का काम करने के लिए। लगातार तो हर मंच से सरकार कह रही है कि हम झारखंडी लोगों के साथ है, झारखंडियों की सरकार है, लगातार रोजगार दे रहे हैं, नौकरियां दे रहे हैं, फिर भी विपक्ष के द्वारा ये कहा जा रहा है कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं। नौकरी के विषय में सरकार भी बोले थे, जब से हम सत्ता पर आएंगे 1 साल में 5 लाख नौकरी देने का बात किया था, अब हम लोग का 3 साल पूरा हो चुका है, हम लोग 15 लाख नौकरी मारने का यहाँ पर बात करने के लिए आए हैं। उन्हीं के बाद मैनिफेस्टो में जो बोला हुआ है वही बात को हम लोग दोहराने का और उसको याद दिलाने के लिए यहाँ पर हम लोग उपस्थित। तो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जब कोई भी आदमी दो कदम पीछे हटता है तो बड़ा छलांग मारता है, तो कुछ बड़ा करने वाले हैं? शायद हो सकता है ये करिश्मा हो जाए, काहे कि अगर जब मान लीजिए 1 साल में जब 5 लाख नौकरी की बात है तो 15 लाख ये 1.5 साल के अब समय में हमको नहीं लगता है कि ये 15 लाख, हमको लगता है 5 लाख भी नहीं पूरा हो पाएगा ऐसा लगता है। आंसू का स्टैंड क्या है 60-40 पे? 60-40 है कि हम लोग है कि जो स्थानीयता है, स्थानीयता का हिसाब से नियोजन नीति लागू होना चाहिए
और जो जितने दिन से ज़्यादा लोग से बहुत दिन से काफ़ी लोगों से है उसमें है कि एक समांतर होना चाहिए कि उतना दिन से 30 साल 40 साल से जो लोगों हैं यहाँ रहने वाले लोगों उसका भी एक सम्मानजनक ये होना चाहिए ताकि उनको भी एगो स्थानीयता का एक प्रमाण होना चाहिए। जो ये 72 घंटा का छात्र जो अभी उग्र आंदोलन करने वाले हैं क्या आंसू उनके समर्थन में है? हाँ, अगर मान लीजिए निश्चित तौर से, अगर मान लीजिए अगर हम लोग का जो नीति सिद्धांत है, जो सरकार का जो वादे हैं उस पर अगर खरा उतरती है तो हम लोग को किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ। अपना ख्याल रखें क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।